we can say create a node, right? So we will create a pointer of node type, right? And then the second step, what we have to do? We have to copy the header at. Hey Codaholic, this is Yogesh Bisht and you are watching the code deck. And this is your data structure lecture 13. In the previous lecture, we have completed the insertion operation on a singly linked list. In this video, we are going to discuss about the deletion operation on a singly linked list. We will mainly focusing on the deletion at the beginning of a linked list, right? So let's begin the video. So here is your deletion operation on a singly linked list. The deletion word hai that refers to the removing a node or a data from a singly linked list. Insertion operation ki tarah hi deletion operation mein bhi hamare paas mainly three position hoti hai jahan par hum deletion perform kar sakte hain. The first one, that is your from the beginning. The second one that we have, that is your from the end. And the third one, that is a given node in between, right? So shuruaat karte hain the first one, that is your deletion from the beginning of a singly linked list. So jaise ki naam se hi pata chal raha hai ki hume kisi singly linked list se pehle wale node ko delete karna hai. To yahan par hume ek singly linked list given hai and this is the first node of the singly linked list. It means hume is node ko delete karna hai is linked list se, right? To agar ye node delete ho jayega linked list se, it means this will be the first node of the linked list. To iska matlab ye hua ki ab deletion operation ke baad header node ke paas is node ka address hoga. Kya kaha sir maine? कि deletion operation के बाद header node के पास इस node का address होगा, क्योंकि हम जानते हैं सर कि header always contain the address of the first node, right? तो क्या हम directly इस node को insert कर दें header में? क्या कहा सर मैंने? कि क्या हम directly इस node को insert कर दें header में? क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो ये लिंक टूट जाएगी. तो जैसे ही ये लिंक टूटी, इट मींस ये नोड डिलीट हो गया, राइट? तो हो गया ना डिलीशन ऑपरेशन. लेकिन रुकिए सर, हम ऐसा नहीं कर सकते डायरेक्टली, क्योंकि हमारे पास इस नोड का तो एड्रेस अवेलेबल ही नहीं है. और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम बिना एड्रेस के किसी नोड को एक्सेस नहीं कर सकते, हमें सिर्फ हेडर नोड के पास जो एड्रेस है सिर्फ वो अवेलेबल है, राइट? तो सर अब इस ऑपरेशन को परफॉर्म कैसे करें, राइट? तो जैसा कि मैं अब तक पिछली वीडियो में बताते आया हूं कि हमें सबसे पहले क्या करना है, हम एक पॉइंटर क्रिएट करेंगे. क्या करेंगे सर? एक पॉइंटर क्रिएट करेंगे, राइट? और जैसा कि इस पॉइंटर के दो पार्ट होंगे, द फर्स्ट वन इज डेटा पार्ट, द सेकंड वन इज लिंक पार्ट. और हम हेडर के पास जो डेटा है उस डेटा को कॉपी कर लेते हैं पॉइंटर में. क्या कहा मैंने? कि हेडर के पास जो एड्रेस है उसे कॉपी कर लेते हैं पॉइंटर में. इट मींस नाउ पॉइंटर इज पॉइंटिंग द दिस नोड सर, राइट? इसका मतलब क्या हुआ कि नाउ योर पॉइंटर इज हेयर, राइट सर? तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पॉइंटर का लिंक है, पॉइंटर का लिंक कौन सा है सर? दिस इज द लिंक ऑफ द पॉइंटर. और पॉइंटर के लिंक में एड्रेस क्या है? दैट इज योर 5946. क्या कहा मैंने? कि पॉइंटर के लिंक में एड्रेस क्या है? 5946, जो कि इस नोड का एड्रेस है. तो इट मींस हम क्या करेंगे, पॉइंटर के लिंक में जो एड्रेस है उसको डायरेक्टली डाल देंगे हेडर में. क्या कहा मैंने? कि पॉइंटर के लिंक में जो एड्रेस है उसे डायरेक्टली डाल देंगे हेडर में. इट मींस कि हमने इस नोड को हेडर में डाल दिया. क्या कहा मैंने? कि पॉइंटर
के लिंक में जो एड्रेस होगा उसे हम इंसर्ट करा देंगे हेडर में, राइट। तो वही तो परफॉर्म किया हमने कि जिस नोड को डिलीट करना है उस नोड के ठीक बाद वाले नोड को, जिस नोड को डिलीट करना है उस नोड के, इस नोड को डिलीट करना था इसके ठीक बाद वाले नोड के एड्रेस को इंसर्ट कर दिया हेडर में। और सर ऐसा करते ही क्या हुआ कि जो ये लिंक है, कौन से लिंक सर, दिस लिंक हैज बीन रिमूव्ड, राइट, और हो चुका हमारा डिलीशन फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ अ सिंगली लिंक लिस्ट ऑपरेशन परफॉर्म, राइट। तो चलिए आप कंपाइलर स्क्रीन पर जाके देखते हैं कि क्या हमें ये जो कॉन्सेप्ट है वो डिजायर्ड आउटपुट दे पाता है या नहीं। सो दिस इज योर द कंपाइलर स्क्रीन। इन द प्रीवियस सेक्शन वी हैव परफॉर्म ऑल द प्रोग्राम रिलेटेड टू द इंसर्शन ऑपरेशन ऑन अ सिंगली लिंक लिस्ट, राइट। So finally here I will create a function for the deletion operation at the beginning, right? So this is your deletion operation at the beginning, right? So the function name will be, that is your deletion, right? And deletion from your beginning, right? And as everybody know that the deletion function don't take any argument as a parameter, right? So before starting the code for deletion, firstly what I have to do, we will check whether your header is null or not. But question comes here, why should we check it, right? So agar aapka header null hua, it means आपकी लिंक लिस्ट में नोड ही नहीं है। आपके पास अगर नोड नहीं है तो डिलीशन क्या करोगे भाई, राइट। तो चेक करने की जरूरत है कि क्या हेडर नोड नल है या नहीं। इफ हेडर नोड विल बी नल, देन वी विल सिंपली आउटपुट दैट द लिस्ट इज एम्प्टी, राइट, एंड नो डिलीशन, राइट सर। सो दिस इज योर इंडेल। इफ हेडर विल नॉट बी नल, देन वी विल perform the deletion operation. But firstly, as we know that we have to create a pointer, or you can say create a node, right? So we will create a pointer of node type, right? Then the second step, what we have to do, we have to copy the header address in a pointer, right? So we have did it. Now after doing this step, we have to assign the address of ptr link, or you can say कि जो value ptr link में है हमें उस value को assign करना है किसमें, that is your header node, right? तो इसके बारे में आपको logic बता चुका हूं कुछ ही देर पहले, right? So this was your the deletion operation, right? तो अब मैं simply cout देता हूं, that is deletion has been performed, right? Performed. Or this is your indel now, right? So as you see, there are some programming language like Python, right? There are some function related to the deletion. They also gives the number which is deleted, right? Like pop function, right? तो ऐसा ही हम यहाँ पर वो number भी output दे देते हैं जो delete हुआ है, right? So this is your ptr of data, right? So now I will call this function in a main function, right? So this is your main function, right? So I will call the function here, that is your L1, and deletion from beginning, right sir? And after the deletion, we will also check your linked list, that is it performed or not, right? So the traversing operation, right? So we will take one more value in your linked list. So this is your control V, right? So now compile and run this file, right? So we have the run screen. Enter the roll number, that is your 1. Enter the roll number 2, 3, and the last one, that is your 4, right? So jo hamare paas singly linked list hogi, that will be 4, 3, 2, and 1. And जैसा कि 4 विल बी द फर्स्ट
node of a first data of a singly linked list. It means after deletion operation, the 4 should be deleted from your the singly linked list, right? So we should have the output as only 3, 2, 1. So let's enter, and node in the list are before deletion, that is your 4, 3, 2, 1. Deletion has been performed, and we have, that is your 4 has been deleted, and node in the list are 3, 2, 1, right? So this was your deletion from the beginning in a singly linked list. In the next video, we will discuss about the deletion from the end of our singly linked list. So this was the end of this session. Thank you for watching the video. And if you like this video, then hit that like button and subscribe the code. And stay updated with us for programming and tech updates. If you have any query regarding this video, so please contact me on the given Gmail link.